11:20 तक असम में 24.91% मतदान हुआ है और साथ ही बंगाल में 28.13% मतदान 11:20 तक हो चुका है। दोनों राज्यों की तस्वीर, दोनों राज्यों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अभी तक एक जगह लगभग 25% मतदान हुआ है। बंगाल में वोटिंग की रफ्तार असम के मुकाबले थोड़ी सी तेज है और बंगाल में 11:20 तक 28.13% मतदान हुआ है। उम्मीद करते हैं संजय जी अब तो चुनाव आयोग ने डबली श्योर होकर आंकड़ा दिया होगा। नहीं, निश्चित रूप से करना भी चाहिए जब तक आप श्योर न हो कि मतदान का प्रतिशत क्या है। हालांकि इसमें भी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इतना नहीं कि दुगना हो जाए और आधा हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सतर्कता के साथ इलेक्शन कमीशन ने इन आंकड़ों को जारी किया होगा। जो बात अभी विनोद जी ने सवाल उठाया, क्या आपको लगता है CAA को लेकर जो दो नई पार्टियां खड़ी हुई जिनका कौशिक जिक्र कर रहे थे? हाँ, देखिए जब भी हम किसी एक समुदाय की बात करें, चाहे वो जाति वर्ग की बात करें, कोई एक धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले वोटरों की बात करें, जब भी हम कहते हैं कि उनका वोट एक तरफा पड़ रहा है, एक तरफ जाएगा, तो तकरीबन 65-70% वोट अगर एक समुदाय एक पार्टी की तरफ देता है तो हम कहते हैं कि बहुत ही पोलराइज्ड वोट है। तो लगभग इसी तरह का वोट डिवीजन जरूर होगा, 70-75% कांग्रेस की तरफ जाएंगे और बाकी जो वोट है वो तो छिटका हुआ रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे के पूरे समुदाय का वोट एक तरफा जा रहा हो। डागी जी चिंतित हैं काफी? नहीं, मैं चिंतित नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात से तो सहमत हूं कि पोलराइज्ड वोट का मतलब है कि 70% वोट जो है वो किसी एक समुदाय का एक पार्टी के लिए जा रहा हो। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि 90% वोट जो है किसी समुदाय का एक ही पार्टी के पक्ष में चला जाए, ऐसा कहीं किसी भी इलेक्शन में नहीं देखा जाता है। लेकिन जहां तक अस्मिता का सवाल है, मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है उससे मुझे नहीं लगता है कि अस्मिता के नाम पर वो सारी चीजें भूल जाएंगे। आखिर 70 साल के अंतर्गत जो आसाम की अस्मिता पर जो संकट बना घुसपैठियों के कारण, डेमोग्राफिक जो चेंजेज हुए कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सिर्फ बॉर्डर एरिया में भी नहीं बट अप टू काजीरंगा पार्क के दिया आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें हुआ है। वो तो कांग्रेस पार्टी के कारण ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे ऐसा संभव नहीं होता, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि जो नई पार्टियां बनी हैं उससे मैं सहमत हूं, उनके तरफ वोट जा सकता है, लेकिन यदि अन्य सोशल ग्रुप से अन्य सामाजिक समीकरण उनके साथ नहीं खड़ा होते हैं तो वैसी स्थिति में वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। आप अपने कोर मुद्दे से और वो जीते तैयार हो गए ना? देखिए मुद्दे उससे हटने का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को खुलकर के ये कहा है कि CAA का मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला गया है। और मैं इस चीज को थोड़ा सा, इसको चूंकि मेरा अध्ययन है इसलिए मैं कह सकता हूं कि बार बार जो वो जिक्र किया जाता था कि 19 लाख जो है वो बांग्लादेशी वोटर आए हैं, वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां से देश के अन्य जिलों में वो आकर के आज रहने लगे हैं, वहां वोटर आई कार्ड और ये जाकर के वो, इसीलिए आपको जो वहां के जो जनसंख्या दिखती है। और यह एक सुनियोजित ये प्रयास के तहत हुआ है, जिस प्रकार से आप रोहिंग्या को देखते हैं कि 3700 किलोमीटर रहते हुए अच्छी मजबूत सरकार आपको मिली थी, तब आपने कदम पीछे क्यों खींचे डर के मारे कि अगले चुनाव में वोट हाथ से खिसक जाएगा अगर ऐसा कर देंगे? देखिए एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लेती है, हम नोटबंदी भी करते हैं भले ही उसमें हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, हम लॉकडाउन भी करते हैं भले ही लोग हमसे नाराज हो जाएं, हम किसान आंदोलन चलने देंगे, बिल वापस नहीं लेंगे भले ही लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर CAA बेहतरी के लिए है तो फिर चुनाव के समय में हाथ पीछे क्यों खींचा?